दोस्तों पोकेमॉन सीरीज की तरह इसके मूवीज भी वाकई में बहुत ही ज्यादा दमदार होते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन वर्ल्ड में और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन के टॉप 10 बेस्ट मूवीज के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहें। दोस्तों आज हम टॉप 10 बेस्ट पोकेमॉन मूवीज के बारे में बताएंगे। ये लिस्ट के लिए हम सभी सिनेमैटिक पोकेमॉन मूवीज को लिए हैं और ये लिस्ट फैन वोट्स, पॉपुलैरिटी और हमारा खुद का ओपिनियन को बेस करके है। दोस्तों काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो डेफिनेटली बनता है। नंबर 10 पोकेमॉन 3 द मूवी। दोस्तों पोकेमॉन फ्रेंचाइजी में ये मूवी को एक डार्केस्ट मूव के हिसाब से माना गया है। इस मूवी में एक यंग लड़की रहती है जिसके फादर गायब हो जाते हैं। फिर वो लड़की जब स्ट्रेस से बाहर आती है तब वो एक मिस्ट्रियस अननोन पोकेमॉन को जगा देती है और साथ ही साथ लेजेंडरी पोकेमॉन एंटाई भी जग जाता है और ये सब मिलके उस लड़की के लाइफ में सभी खुशी को धीरे धीरे लाने लगे थे। और तो दोस्तों वो यंग लड़की ये सोचने लगती है कि एंटाई पोकेमॉन उसके फादर के रूप में फिर से जन्म होके आया है। लेकिन वो लड़की का एक विश था कि वो एक चेन रिएक्शन को क्रिएट करके उसके आसपास के सभी लोगों के मन में दहशत फैला दे। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐश के मदर को किडनैप करने के लिए ये चेन रिएक्शन को क्रिएट किया गया था। ये सब चेन रिएक्शन की वजह से एंटाई के साथ एक बैटल क्रिएट हो जाता है और साथ ही साथ फैंस का फेवरेट चारिज़ार्ड भी रिटर्न हो जाता है। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है पोकेमॉन जेनेसिस एक्ट एंड द लेजेंड अवगेंड। दोस्तों कई साइंटिस्ट ये नहीं जानते कि जब वो आर्टिफैक्ट पोकेमॉन बनाते हैं उसके पीछे भी कई तबाही करने वाला चीज को वो पीछे छोड़ जाते हैं। उसी तरह से एक आर्मी रोबोटिक बग पोकेमॉन भी निकल के आता है जिसको कि हम जेनेसेक्ट के नाम से जानते हैं। इस मूवी में जेनेसेक्ट एक बहुत बड़ा तबाही की ओर निकल पड़ता है और इसी की वजह से बहुत बड़ा तबाही भी होता है। दोस्तों ये एक ऐसा टाइम था जिसमें एक ओरिजिनल मैनमेड पोकेमॉन को आके तबाही को रोकना था और दोस्तों यकीनन वही हुआ। वो टाइम में म्यूटो का एक थम मां के द्वारा एंट्री होता है और उसी टाइम में हमें म्यूटो का ओरिजिनल मेगा इवोल्यूशन देखने को मिलता है। You stubbornly refuse to understand. अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है पोकेमॉन डेस्टिनी डिऑक्सिस। दोस्तों ये मूवी पोकेमॉन फ्रेंचाइजी का 7वां मूवी था जो कि बहुत ही बड़ा हिट हुआ था। हमें इस मूवी के वजह से बहुत सारे पुराने क्वेश्चन के जवाब मिल चुके थे। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी निकल के आया था कि क्या वैक्यूम स्पेस में भी पोकेमॉन लाइव हो सकते हैं, और दोस्तों इसका जवाब है हाँ। और वो लाइफ फॉर्म का नाम है डिऑक्सिस जो कि एक डीएनए टाइप पोकेमॉन है। ये दो डिऑक्सिस पोकेमॉन का मेन मकसद ये था कि ये दोनों पूरे अर्थ को तबाह कर दें और इसके वजह से ये दोनों अर्थ में एंटर करते हैं। लेकिन हर बार की तरह अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए रायक्वासा एक प्रोटेक्टर बनके उनके सामने खड़ा हो जाता है। और लास्टली अर्थ भी प्रोटेक्ट हो जाता है। अभी दोस्तों नंबर 7 पे आता है पोकेमॉन रेंजर्स एंड द टेम्पल ऑफ सी। दोस्तों ये मूवी पोकेमॉन रेंजर्स डीएस गेम के साथ रिलीज हुआ था। ये मूवी में रोबोटिक पायरेट्स, अंडरवाटर टेंपल, साथ ही साथ एक बहुत ही क्यूटेस्ट पोकेमॉन यानी मैनेफी पोकेमॉन को दिखाया गया था और ऐश को मैनेफी पोकेमॉन के द्वारा कुछ नई पावर्स मिलने की वजह से वो अंडरवाटर में सर्वाइव कर लिया था, यानी दोस्तों बेसिकली बोला जाए तो पानी वाला सुपर सैयन। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं ये मूवी में कुछ ज्यादा विजुअल ग्राफिक्स नहीं था, लेकिन इसमें अच्छे अच्छे लेजेंडरी पोकेमॉन कैमियो होने की वजह से ये मूवी सभी पोकेमॉन फैंस के दिल में एक खास जगह बना लिया था। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है पोकेमॉन द राइस ऑफ डार्क राय। दोस्तों ये मूवी पोकेमॉन फ्रेंचाइजी का 10वां मूवी है और ये मूवी से हमें टाइम और स्पेस दो आइकॉनिक मास्टर को देखने को मिला जिनका नाम डियलगा और पलकिया है। ये मूवी में डियलगा और पलकिया अपने डायमेंशन में बहुत बड़ा फाइट करते हैं और ये फाइट की वजह से अलमोस जो कि एक टाउन है वो इफेक्ट हो रहा था।
तभी डाकड़े पोकेमोन जो कि उसी टाउन में रहता था वो इस टाउन को बचाने का कोशिश करता है, लेकिन वो टाउन के पीपल यानी लोग डार्करा के ऊपर ब्लेम करते हैं कि टाउन में प्रॉब्लम होने का कारण सिर्फ और सिर्फ डार्करा है, जबकि डार्करा बचाने का कोशिश किया था। अभी दोस्तों नंबर 5 पे आता है पोकेमोन जिराची विस्मेकर। दोस्तों क्या जिराची पोकेमोन आपको एक क्यूटेस्ट पोकेमोन नहीं लगता? अगर जिराची पोकेमोन का बड़ा आंख जो कि उसके पेट में है उसको हटा दिया जाए और अगर इस पोकेमोन से लेजेंडरी पोकेमोन को करप्टेड वर्जन करने वाला एबिलिटी को वापस ले लिया जाए तो ये जरूर एक क्यूटेस्ट पोकेमोन कहला सकता है। दोस्तों ये बस हमारे तरफ से एक ओपिनियन था। ये मूवी में एश कैचम को विश मेकिंग पोकेमोन जिराची को बचाना था क्योंकि टीम मैग्मा जिराची का पावर्स को यूज करके ग्राउडन का एक करप्टेड वर्जन को क्रिएट करके उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आता है पोकेमोन हीरोस। दोस्तों ये मूवी पोकेमोन फ्रेंचाइजी का 5वां मूवी है। अल्टोमेर सिटी में एक गार्डियंस ये बोला था कि लेटियोस और लाटियास दोनों ही अल्टोमेर सिटी को लंबे समय से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। अल्टोमेर सिटी में एक सोल ड्यू नाम का आइटम भी था जो कि अल्टोमेर सिटी को सेफ रखने में मदद करता था, लेकिन कुछ समय के बाद टीम रॉकेट के दो एजेंट एनी और ऑकले सोल ड्यू को चुराने का कोशिश करते हैं। तभी एश कैचम और उसके फ्रेंड्स सोल ड्यू को वापस लाए थे क्योंकि अल्टोमेर सिटी सेफ रह सके। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है पोकेमोन लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पोकेमोन फ्रेंचाइजी में पिकाचू का जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमोन ले सकता है और वो पोकेमोन का नाम है लुकारियो, क्योंकि दोस्तों लुकारियो ऑरा से कनेक्टेड होने की वजह से वो कोई भी चीज़ को महसूस कर सकता है, बोल सकता है और कोई भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट भी कर सकता है। इस मूवी में ऐश और उसके फ्रेंड लुकारियो का एनकाउंटर किए थे गुजरे हुए समय के रिनाइस्ट फेस्टिवल में, जहां उनके साथ एक थ्रिलिंग मिस्ट्री भी शामिल हो गया था जिसका नाम म्यू था और एक एंशिएंट वर्ड भी था। इस मूवी में पोकेमोन फैंस के लिए और भी बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आता है पोकेमोन द मूवी 2000। दोस्तों इस मूवी में एश कैचम और उसके फ्रेंड समाउटी आइलैंड में पहुंच जाते हैं और उसी समय ऑरेंज आइलैंड के सेंट्रल पॉइंट में एक कल्चरल फेस्टिवल भी था। उस फेस्टिवल में एक लेजेंड को चुना जाता है जो कि वर्ल्ड को सेव करेगा। दोस्तों जब लुगिया का सॉन्ग लेजेंडरी वार्स के फाइट को रोकने में नाकामयाब साबित हो गया था तब लुगिया खुद समंदर से आया था लेजेंडरी वार्स के फाइट को रोकने के लिए। लेजेंडरी वर्ड्स के फाइट के पीछे मेन रीजन पोकेमोन कलेक्टर ही था जो कि लुगिया जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को कैप्चर करना चाहता था। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है पोकेमोन द फर्स्ट मूवी। दोस्तों जब ये मूवी निकला था तब ये मूवी अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर चुका था और इस मूवी से हमें म्यूटू का इंट्रोडक्शन देखने को मिला था। म्यूटू सभी पोकेमोन विलन्स में एक बहुत ही बड़ा विलन था, लेकिन दोस्तों बाद में म्यूटू को एक हीरो के रूप में दिखाया गया है और दोस्तों म्यूटू को एंटी हीरो ऑफ ऑल टाइम भी कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों कई सारे फैक्ट्स में ये बताया गया है कि म्यूटू सिर्फ एक क्लोन ही है। ये पोकेमोन विलन सभी एक्जिस्टेंट पोकेमोन का क्लोन बनाने का मिशन स्टार्ट करना चाहता था और ह्यूमैनिटी के ऊपर एक जंग भी डिक्लेयर करना चाहता था। दोस्तों ये जानते हुए कि ये मूवी में ऐश का मौत हो गया था फिर भी हम सभी जानते हैं कि पोके फैंस में ये मूवी अपना एक स्पेशल जगह बना लिया था। तो दोस्तों यही था टॉप 10 बेस्ट पोकेमोन मूवीज के बारे में। और दोस्तों कौन सा मूवी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।